हे नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है टॉप 3 शाओमी थीम एपिसोड नंबर 33 के वीडियो में। आज के इस वीडियो में काफी अमेजिंग थीम दिखाने वाला हूं, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का जो थीम है वो पसंद आएगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करें और जो लाइक का एम है वो है 300 लाइक, तो जरूर गाइस कंप्लीट कर दे और हमारे चैनल टेक इसको सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग शाओमी थीम देखने के लिए। तो गाइस यहां पर सबसे पहले बात करते हैं थीम नंबर 1 से। तो गाइस जो थीम नंबर 1 है वो काफी यूनिक स्टाइल में आती है। गाइस यहां पर आपको सब कुछ पूरा यूआई है वो चेंज हुआ देखने को मिल जाएगा। गाइस यहां पर आप कंट्रोल सेंटर भी देख सकते हैं। अगर आप कोई भी टॉगल बटन को यहां पर ऑन करते हैं तो गाइस उसमें काफी बढ़िया बैकग्राउंड इमेज है वो दिया गया है। तो गाइस काफी कमाल का और काफी नया लुक के साथ कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। अगर आपको कोई फंकी स्टाइल का थीम चाहिए तो इस थीम को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यूआई डिजाइन है उसको काफी हद तक यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लुक में दिया गया है, जो देखने में काफी कमाल का और काफी जॉर्जियस लुक है वो आपको प्रोवाइड करवा देता है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर लॉक स्क्रीन भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह का वेदर इन्फॉर्मेशन, कैलेंडर और म्यूजिक प्लेयर है वो हमको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस आप ढेर सारे यहाँ पर न्यू फंक्शन, न्यू फीचर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली बात कर लेते हैं इस थीम के बारे में। तो आप थीम का जो नाम है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कलर, जो कि काफ़ी बढ़िया थीम है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर थीम नंबर 2 की। तो गाइस इस थीम नंबर 2 में काफ़ी बढ़िया आइकन पिक देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर जो क्लोक है, सेंटर क्लोक, वो काफ़ी यूनिक स्टाइल में आती है, जैसे कि इसको डबल टैप करते ही उसको आप मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जो इमेज मैंने यूज़ किया है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो इजीली आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर आपको माइंडोसा मिलता है, बट जो सेटिंग की यूआई है वो आपको डार्क स्टाइल में देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी बंदे वेट करते हैं ना कि डार्क थीम लाओ, तो ये थीम आपके लिए काफ़ी सही रहेगी, क्योंकि उसका लॉक स्क्रीन आप देख सकते हैं काफ़ी गजब का, काफ़ी कस्टमाइज, काफ़ी स्टाइलिश देखने को मिल जाता है। जहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पर साइड में 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका आप मॉडिफाई करके कलर चेंज कर सकते हैं, क्लॉक चेंज कर सकते हैं, अपने यहाँ पर गाइस क्विक एप्लीकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस होम स्क्रीन पर ही आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, कैलेंडर, कैलकुलेटर एज वेल एज गाइस यहाँ पर काउंटर क्लॉक का। तो गाइस ढेर सारा फीचर्स, ढेर सारे फंक्शन आपको सिर्फ लॉक स्क्रीन में ही देखने को मिल जाते हैं। तो इस थीम को ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। जो थीम का नाम है वो है सोलोडार। फाइनली और आखिरी थीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस थीम के रिलेटेड हमने कस्टमाइजेशन भी बनाया है, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सेंटर क्लॉक और गाइस कुछ रेड कलर के आपको आइकन पे के वो देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर बात करें लॉक स्क्रीन की, तो गाइस इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आपको बैकग्राउंड में जो अर्थ का वॉलपेपर है वो दिया गया है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर क्लॉक देखने को मिल जाता है। अगर इस थीम को आप ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। इसका होम स्क्रीन सेटअप ट्राई करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो थीम का नाम है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पेस है। अगर मिल जाती है लिंक तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही अमेजिंग शानदार कमाल की शाओमी थीम देखने के लिए मिक्सर आप हमारे चैनल टेक को सब्सक्राइब कर ले आने वाले वीडियो देखने के लिए।